युवाओं के प्रदर्शन के बीच बोले सीएम योगी, किसी के बहकावे में ना आए। अग्निपथ योजना के खिलाफ कई स्थानों पर युवाओं के प्रदर्शन के बीच आई है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पंजाब टुडे 24 न्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यूपी में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी, किसी के बहकावे में ना आए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को युवाओं से अग्निपथ योजना को लेकर किसी बहकावे में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को राष्ट्र व समाज की सेवा के लिए तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने की है यह टिप्पणी केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ कई स्थानों पर युवाओं के प्रदर्शन के बीच आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा, युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी, आप किसी बहकावे में न आए। सीएम ने युवाओं को दिया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप अग्निपथ योजना युवाओं को राष्ट्र व समाज की सेवा हेतु तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर प्रदान करेगी। इसके साथ ही योगी ने युवाओं को आश्वस्त करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही योगी ने युवाओं को आश्वस्त करने का प्रयास करते हुए कहा कि मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। जय हिंद। इससे पहले बुधवार को भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार पुलिस और संबंधित सेवाओं में भर्ती के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के लिए सैन्य बलों में भर्ती करने के वास्ते मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर यूपी के आगरा, मेरठ, बुलंदशहर, बलिया समेत कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस दौरान कई जगह हाईवे और रेल रूट बाधित हुआ है। इसके अलावा बिहार में केंद्र सरकार के सैन्य बलों में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगा दी और पथराव किया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रेलवे पटरियों पर धरना देने वाले युवाओं को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने भभुआ और छपरा स्टेशन पर बोगियों में आग लगा दी और कई जगहों पर डिब्बों के शीशे तोड़ दिए। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं कल ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पंजाब टुडे 24 न्यूज।